हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जो अपनी कार का गियर होता है वो एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट होता है और दूसरा उसमें थोड़ी सी प्ले आ जाती है। ये अपनी कार है टाटा इंडिगो मांजा, जिसका गियर लीवर जो आप देख सकते हैं, आपको अगर आवाज़ आ रही हो तो ये थोड़ा खड़खड़ भी करता है और थोड़ा गियर शिफ्ट इसके हार्ड होते हैं। अब मैं एक मैकेनिक के पास गया था तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि भैया ये मेरी कार के गियर थोड़े से हार्ड पड़ रहे हैं, इसमें आप कुछ कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे 4,000 रुपये का खर्चा बताया। उन्होंने बताया कि 2,000 की इसमें दो रॉड होती हैं, वो पड़ेंगी तब आपके गेट जो है स्मूथ हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अपने घर कुछ ट्राई करते हैं, हो सके अपने 4,000 रुपये बच ही जाएँ। इसका मुख्य कारण जो होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अपने गियर के नीचे ये डस्ट कवर जो होता है, पहले हमें इसको हटाना होता है। जैसा कि हमने इसको हटाया, हटाने के बाद आप देख रहे होंगे ये पार्ट जो है सब प्लास्टिक का होता है और इस पर जो है ग्रीस लगी होती है जो अब सूख चुकी है, बिल्कुल सूख गई है। और इसके सूखने से क्या है, ये थोड़ा सा ये खड़खड़ करता है और इसमें पिले आ जाती है। कार काफ़ी पुरानी है, कार को 13 साल हो चुके हैं, 2010 मॉडल कार है। कार में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बस हल्के सा इसके जो है गियर जो है वो हार्ड पड़ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो इसे अच्छे से साफ करना है और फिर इसके ऊपर से लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना है। और लुब्रिकेंट को 5-10 मिनट छोड़ने के बाद इस पर दोबारा से कोई भी ग्रीस, जो साफ ग्रीस होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर हम लगा देंगे। और उसके साथ साथ ही इसके साफ करने के लिए मैंने ये छोटा सा कपड़ा लिया है, इसे हम आगे पीछे कर कर सही से साफ कर लेंगे। इधर भी सब तरफ। और इसके उस पास जो ये डस्ट पड़ी हुई है चारों तरफ, इस डस्ट को भी हम साफ कर लेंगे। और उसके बाद ये आप, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर दो इसकी गियर की रॉड होती हैं, इस पर हमें लुब्रिकेंट मारना है। इससे क्या ये भी लुब्रिकेंट जो इसके अंदर चला जाएगा और ये स्मूथ हो जाएंगी। जैसा कि आप देखिए, एक ये दो इसमें गियर की तार लगे होती हैं, इसी से कार हमारी गियर लेती है। इसके ऊपर हमें लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना है चारों तरफ को, गियर को घुमाकर। देखिए दोस्तों, ये मैं सुपर लुब्रिकेंट मारुति का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हमें सब तरफ से लगाना है। ये एक आप समझिए कि लिक्विड ग्रीस की तरह काम करता है। और ये जो अपना ग्रीस होता है वो बहुत सी जगह अंदर तक नहीं जा पाता है, ये बिल्कुल इसके अंदर चला जाएगा। और गियर जो हमारी कार के स्मूथ हो जाएंगे। एक गियर तार पर लुब्रिकेंट लगाने के लिए टाटा मांजा कार में इस साइड में एक छोटा सा होल दिया होता है जो इस कवर से बंद रहता है। ये कवर मैंने यहाँ से निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से ये अपने लुब्रिकेंट इस पर लगाना है और स्प्रे कर देना है।
हर काल में जगह जगह ये ऐसी चीज़ दी होती हैं कि ताकि हम लोगों को परेशानी ना पड़े और हम इन्हें इस्तेमाल करते रहें। पर होता क्या है कि सर्विस में ज़्यादातर मैकेनिक इस चीज़ को छोड़ देते हैं, करना नहीं चाहते, और हमारी भी कमी होती है। हम भी थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए 150 रुपये का लुब्रिकेंट आएगा और बचाने के लिए इस चीज़ को भूल जाते हैं। आगे लगाने के बाद हमें जो अपने कार के गियर बॉक्स में जो तार जा रहे होते हैं वहाँ पर भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि आपको ये टान दिखाई दे रही है, एक बार मैं आपको उसे गियर डालकर हिला के दिखाता हूँ। गियर डालियो, देखिए ये हिल रही है। दोबारा डालो गियर, डालो बैक, डालो बैक, तो ये हिल रही होती है। इस पर हमें लुब्रिकेंट लगाना होता है। इससे क्या है, ये लुब्रिकेंट इसके अंदर चला जाए, कार के जो गियर हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगाने में दिक्कत भी होगी, वीडियो में मैं वो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फाइनली दोस्तों, इस कवर को हम यहाँ लगा देते हैं। बस लग गया, इतनी देर का काम है और आपकी कार की गियर जो है इसमें पहले से बहुत कम आवाज़ हो गई है, आप देख रहे हो तो, और मुझे थोड़े स्मूथ भी लग रहे हैं गियर इसके। अब मैं इसमें कार की ड्राइविंग कर रहा हूँ। ये अपना बरसिन का कट्टा रखा हुआ है, किसान आदमी है, बरसिन लेके जा रहे हैं। गियर जो है कार के बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं पहले से। बस एक छोटी जानकारी होने से हमने अपने 4,000 रुपये बचा लिए। ये जानकारी हमें हमारे एक मित्र हैं सानी आलम, उन्होंने दी थी। अब कार के गियर काफ़ी स्मूथ चल रहे हैं। कार के पिकअप का इसका तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत अच्छा पिकअप है इस कार का। अब गियर जो हार्ड शिफ्ट हो रहे थे वो भी अब स्मूथली हो गए हैं। ये सब काम होने के बाद आपको ग्रीस लेना है। ये मैंने अपने ट्रैक्टर का बचा हुआ ग्रीस था, ये लिया है, इसे मैं लगा रहा हूँ। ये ग्रीस क्या, इसकी लाइफ जो ज़्यादा होती है इन ग्रीसों की, जो अपना लुब्रिकेंट है, ये काफ़ी लंबे समय तक इसको चिकनाई देगा। मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा दिया है, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है हमें। मैं थोड़ा सा पन्नी में बचा कर रखा था, मैंने भी यहाँ लगा दिया है। ये लगा लीजिए, मात्र 1 चम्मच ग्रीस से और थोड़े से लुब्रिकेंट और थोड़ी मेहनत से हमारे गियर जो काफ़ी स्मूथ हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें, किसानों को भी थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।